और वो औरतें जो घरों में चूल्हा जलाती हैं, हर कोई, मतलब मैं नीचे से जीरो से अगर बात शुरू करूं तो हर कोई अपनी अपनी जगह परेशान है। और इस फसाद की, इन परेशानियों की जड़ जो है वो आज हमारी ये बेशरम झूठी पार्टी जिसका नाम है बीजेपी। मैंने फुल फॉर्म रख दिया है बीजेपी का, बेशरम झूठी पार्टी। ठीक है, हमारी डिमांड है कि ये महंगाई कम की जाए। आम इंसान, आम औरतें, आम घर चलाने वाले परेशान हैं। जाहिर सी बात है हम अडानी अंबानी की बात नहीं करेंगे, हम तो उनका कम्प्लीटली बायकॉट करते हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गैस का रेट कम करो, कम करो, कम करो। गैस का रेट कम करो, कम करो, कम करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। मेरा नाम सादिया सैयदा है। हम यहाँ पर वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं। और अगर आप ये पूछें कि हमारा एजेंडा क्या है, तो अभी एजेंडा बताने में शर्म आने लगी है, क्योंकि अब इस मुल्क में एजेंडे के सिवाय कुछ रह नहीं गया है। बहरहाल फिर भी मजबूरी है, बताना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, ख़ास तौर से जिस तरह गैस के रेट बढ़ रहे हैं और एक आम आदमी के घर की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रह गई है इस बीजेपी गवर्नमेंट से किसी इंसाफ की, और मैं कहूँ तो किसी अच्छाई की भी हमें अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारा इंसानी हक़ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हक़ दिए उसका इस्तेमाल करते हुए जब तक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही, हम एहतजाज जारी रखेंगे। और हम चाहेंगे हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी अपने हक का इस्तेमाल करें। आज घर घर में हर किसी को निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए, ये मुल्क जो है कम्प्लीटली बर्बादी की तरफ जा रहा है। पहले हमारी इकनॉमी मिक्स इकनॉमी कही जाती थी, यानी कि सोशलिस्ट भी थे हम और कैपिटलिस्ट भी थे। अभी इस मुल्क में डेमोक्रेसी ख़त्म होकर डिक्टेटरशिप आ रही है, इकनॉमी जो है वो कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट होती जा रही है। हम देख रहे हैं आज वो मजदूर जो हमारी घर की बुनियाद रखता है, वो किसान जो हमारे घर में रोटी पहुंचाता है, और वो औरतें जो घरों में चूल्हा जलाती हैं, हर कोई, मतलब मैं नीचे से ज़ीरो से अगर बात शुरू करूं तो हर कोई अपनी अपनी जगह परेशान है। और इस फसाद की, इन परेशानियों की जड़ जो है वो आज हमारी ये बेशरम झूठी पार्टी जिसका नाम है बीजेपी। मैंने फुल फॉर्म रख दिया है बीजेपी का, बेशरम झूठी पार्टी। ठीक है, हमारी डिमांड है कि ये महंगाई कम की जाए। आम इंसान, आम औरतें, आम घर चलाने वाले परेशान हैं। जाहिर सी बात है हम अडानी अंबानी की बात नहीं करेंगे, हम तो उनका कम्प्लीटली बायकॉट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि अब सोसाइटी में बायकॉट की ज़रूरत आ गई है। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के टाइम पे शुरू हुआ था, अब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें चलाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अपनी परेशानियों को लेकर आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट प्रेसिडेंट रेहाना बेगम बात कर रही हूँ। आज हम लोग वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखे हैं, जिसमें गैस के रेट जो दिसंबर के महीने में ही दो बार गैस का रेट बढ़ चुका है। ये मोदी सरकार जो है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर ये हुकूमत में आई है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों पर ही जुल्म व सितम कर रही है। जैसे एक तरफ बेटियों का रेप और मर्डर होता है, वो जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रही हैं, और दूसरा मुद्दा ये है कि आप जो है महंगाई की मार हम औरतों पर पड़ रही है। जो एक आम इंसान, गरीब इंसान और मिडिल क्लास की फैमिली, जो एक आम तबके के हैं, उन लोगों के ऊपर महंगाई की एक पे एक मारती जा रही है ये गवर्नमेंट। गैस के रेट ये 2 दिसंबर को बढ़े हैं, फिर 19 दिसंबर को भी 50 रुपये रेट बढ़ाए हैं। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से कि गैस का रेट जल्द से जल्द कम हो और आम आदमी और गरीब इंसान की तरफ इंसाफ मिले। हम जस्टिस चाहते हैं उन लोगों की तरफ से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी करते हैं, लेबर तबके से हैं, वो लोग क्या अफोर्ड कर सकेंगे। जब तक महंगाई कम नहीं होगी, लोग जो है ना खाने पीने के लिए भी तरसेंगे, तो गैस कहाँ से अफोर्ड करेंगे। मोदी जी एक योजना लेकर आए थे, उज्ज्वल योजना बोलकर, जिसमें वो गैस फ्री दिए थे। वो गैस इसीलिए फ्री दिए थे कि जाकर जो है ना बाद में गरीब की कमर तोड़ सकें कि गैस का रेट दाम बढ़ा और उनके पैसे खुद ले लो। इसीलिए उज्ज्वल योजना चालू करके जो है ना गैस फ्री में देकर आज उनकी वही महंगाई में दाम दे रहे हैं। तो ये योजना कोई काम आने वाली नहीं है। गरीब का ख्याल करते हुए, मिडिल क्लास की फैमिली का ख्याल करते हुए हम मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द ये गैस का रेट कम हो जाए और ये औरतों पर जुल्म होना बंद हो जाए।